हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम स्पेशली तो कहीं आए नहीं है, बट हम आज है क्रिसमस। सो विश यू मैरी क्रिसमस। तो आज हम आए हैं सेंट्रल लंदन और उसके आसपास घूमने। पीछे आपको दिख रहा होगा सेंट पॉल कैथेड्रल। यहाँ पे चर्च में आज लोग प्रे करने आते हैं, प्रेयर्स के लिए आते हैं, बट बंद है। 6 बजे बंद हो गया। 6 बजे बंद हो गया, हम 6 बजे आए हैं। तो आज हम कोई स्पेसिफिक जगह नहीं जा रहे, तो हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, जो भी कैप्चर कर सकते हैं करेंगे, आपको दिखाएंगे। बाकी बारिश हो रही है तो वो तो रोज ही होती है जब भी हम बाहर निकलते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा इंजॉयमेंट कम हो जाता है, बट ठीक है। नो कंप्लेंट्स। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, जो हमारे जो फ्रंट में है वो भी दिखाता हूँ। सो गाइज, हम अभी खड़े हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल सामने। तो ये रहा यूके का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे कंपनीज आती हैं। तो बताएं यहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे कि नाम है, स्टॉक एक्सचेंज ही होता है यहाँ पे। तो ये ट्रिलियन पाउंड की ट्रांजेक्शन होती है यहाँ पे। तो ये एरिया ऐसे ही, और यहाँ से इसका व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो ये वाली बिल्डिंग आप कह रहे हो कि ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है। नाइस। और ये क्या है? ये भी ऑफिसेज हैं। ऑफिसेज, होटल हैं इसके आगे पीछे। तो यहाँ से भी अच्छा व्यू है। चलो फिर हम आगे चलते हैं कहीं, यहाँ तो अभी सब बंद है। चले गाइज, हम वॉक करते करते आ गए हैं मिलेनियम ब्रिज। तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है सेंट पॉल कैथेड्रल का और लंदन का। तो अभी हम इस पर चलते हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचाते हैं, तो वो हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डाली देंगे। तो आप हमें फॉलो करें प्लीज़। हम अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे
डाल देंगे, मेरा भी और जुबैर का भी। तो हम लोग अभी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में इतने प्रोफेशनल हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करेंगे तो क्या पता और अच्छी फ़ोटो हम खींचे और अच्छा व्यू आपको दिखाएं। तो हमें पता ही नहीं था, हम लंदन में 3 साल से रह रहे हैं कि हम हमेशा अपनी लोकल मार्केट में जाते थे तो ये देखते थे कि सब बंद है क्रिसमस पे, कुछ है ही नहीं। बट फिर बाद में हमने सोचा है, इस बार हमने सोचा हम सेंट्रल चलते हैं, देखते हैं। तो चार दिख रहा है। हाँ, तो हमने देखा लोग तो सारे सेंट्रल आ जाते हैं, ये देखे यहाँ का व्यू, ये है एक्चुअल लंदन जो रात में दिखता है। हम के ऊपर हैं और बहुत अच्छा व्यू, जितना अच्छा वीडियो में लग रहा है रियल में उससे भी अच्छा, रियल में उससे भी अच्छा। यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं बट कभी ब्लॉग नहीं बनाया इधर, तो आज स्पेशली हम ब्लॉग के लिए आए हैं। और यहाँ से वो चर्च बिल्कुल सामने बहुत अच्छा व्यू दिखता है जो कि पास से नहीं दिखता, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ कैप्चर करता है। ये है लंदन की सबसे ऊंची बिल्डिंग, आपको दिख रही होगी शायद, एक्चुअली ये यूरोप की सबसे बड़ी बिल्डिंग है ऐसा कहना है। ऊंची 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 सेकंड आई थिंक, अभी फर्स्ट फर्स्ट अभी एट प्रेजेंट यूरोप की सबसे बड़ी बिल्डिंग अभी तक यही है। और उधर लंदन ब्रिज भी दिख रहा है, उधर वो टावर ब्रिज भी उधर पीछे। हाँ, अभी तक, अब आगे फ्यूचर में बन रही है और तो कोई और अगर इससे बड़ी निकल आई तो बात अलग है, बट अभी यूरोप की। बाकी मुझे नहीं पता, एक बार गूगल भी कर लेंगे, बट मैंने सुना है सेकंड है शायद से, बट आप कह रहे हो फर्स्ट। देखो उसमें लाइट्स कैसे चेंज हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और देखो जो बिल्डिंग की लाइट का रिफ्लेक्शन है वो वाटर पे कैसा पड़ रहा है, दिख रहा है एकदम मस्त। और दूसरा व्यू इधर है आपका, और तीसरा व्यू इधर है, तीसरा व्यू इधर, और वो भी वॉकी टॉकी बिल्डिंग में दिख रही है। इसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है, जो वॉकी टॉकी जो ऐसी थोड़ी टेढ़ी सी है ना, टिंटेड सी है ऊपर से, इसकी स्टोरी है कि यहाँ पे ये जब इन्होंने बनाया था ये डिज़ाइन इसके आर्किटेक्चर को, तो उसको ये नहीं पता था कि इसकी हीटिंग से नहीं, इतना लॉस हो जाएगा। मैं गया था, इन्होंने मिरर लगाए थे तो वो उसके रिफ्लेक्शन से नीचे हीट जा रही थी, लोगों की गाड़ियों के हाँ शीशे टूट गए, तो अभी इन्होंने इसके जो कांच है वो चेंज कर दिए हैं जिससे कि अब वो रिफ्लेक्शन इतना नहीं पड़ता और हीटिंग नहीं होती। मैंने सुना था नीचे लोग अंडा पका लेते हैं। हाँ, वो एक वीडियो किसी की यूट्यूब पे पड़ी हुई है पुरानी, अगर वो देखेंगे उस पर दिखेगा। चलो आगे चलिए, फोटो वोटो क्लिक करा ले। सो गाइस, हम मिलेनियम ब्रिज से नीचे उतर गए, दूसरी साइड हम जा रहे हैं लंदन ब्रिज की तरफ, टावर ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। क्या पता हम वहां तक जाए ना जाए, बहुत दूर है। हाँ, तो देखते हैं जहाँ तक जा पाते हैं वहां तक आपको व्यू करा देते हैं। पीछे दिख रहा होगा आपको व्यू, मैं अभी आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखा देता हूँ। तो चलें, चलो। ये देखिए कितना अमेजिंग व्यू है, यहाँ पे तो आराम से बैठ के कोई रात में शायरी भी लग सकता है, है? और जैसे हम दिल्ली में नहीं जाते आउटिंग करने नाइट में, तो यहाँ पे आ जाओ, कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी लाइटिंग। हाँ, और ये द थेम्स रिवर, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी तो था, कहाँ गया वो बोट वाला ना? हाँ, पता नहीं वो आगे आगे मैंने देखा था दूर है। तो यहाँ से वो वॉकी टॉकी बिल्डिंग भी यहाँ से आप देखो कितनी साफ दिख रही है। तो तुम्हें उसका ऑमलेट खाना है क्या? तो अच्छा लगता है ऐसा व्यू देखते हैं। और वो भी जब यहाँ पे लोग ना होते तो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इतना रश होता है ना, जब जब भी आ जाओ, रात में आ जाओ तब भी भीड़, दिन में आ जाओ तब भी भीड़,
बट आज थोड़ा लोग कम भी हैं ताकि ट्रेन स्टेशन बंद है, बस बस तो यहाँ क्रिसमस बस और ट्रेन बंद होती है तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते, तो टैक्सी वगैरह या फिर पर्सनल कार जैसे हम लोग आए अपनी गाड़ी से तो वैसे लोग आ जाते हैं और जो पास रहते हैं तो वो तो वॉक करके आ जाते हैं, उनके लिए 2-3 माइल कुछ नहीं होता। सो गाइस हम अब सोच रहे हैं कि अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म कर दें, बहुत हमने ज़्यादा वॉक कर लिए और हम थोड़े भीग भी गए क्योंकि हम जब भी घर से निकलते हैं बारिश हो रही होती है, ये लंदन का वेदर है। हाँ यार मूड ख़राब करता है तो हम भीग गए हैं, हो सकता है हम बीमार भी हो जाएं, घर जाके गरम गरम चाय पी लेंगे हम लॉन्ग वाली। हाँ, तो लॉन्ग कोई असर नहीं होगा, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं हम लोग, कभी आए हमारे साथ चाय पी तो अब हम जा रहे हैं घर, तो ये ब्लॉग हम अभी यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज़ हमें अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। हाँ, और अपना कमेंट भी छोड़ें एज अ फीडबैक। आई नो कि अभी थोड़ा सा अभी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, हाँ, माइक नहीं है थोड़ा, तो हमारी कभी कभी किसी किसी ब्लॉग में आवाज दब जाती है, थोड़ा भी अनप्रोफेशनल हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई शुरू में कोई भी प्रोफेशनल नहीं होता किसी भी चीज में, हाँ, तो धीरे धीरे सीखता है। तो हम माइक ऑर्डर कर दिया, हमारा माइक आ जाएगा फिर हमारी आवाज सुनाई देगी। हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मैरी क्रिसमस, बाय।